ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं फेरोफेरिक आयोन्स के इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वन इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन ग्लासी कार्बन या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है जो कि केमिकली स्टेबल होता है इलेक्ट्रोड को पोलिश किया जाता है ताकि सरफेस स्मूथ हो टॉ इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रिपेयर की जाती है इसमें फेरस फी टू प्लस आयन्स और फेरिक फी थ्री प्लस आयन्स हो सकते हैं ये सोल्यूशन जनरली किसी स्पेसिफिक आयरन सॉल्ट जैसे कि फेरस सल्फेट फेरिक क्लोराइड या कोई और आयरन कंटेनिंग कॉम्पाउंड से प्रिपेयर की जाती है थ्रीन साइक्लिक वोल्टामेट्री एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में इमर्स किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को सिस्टमैटिक मैनर में चेंज किया जाता है इनिशियल पोटेंशियल से स्टार्ट करते हुए पोटेंशियल को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में लाया जाता है इस प्रोसेस में करंट मेजर किया जाता है फोर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वोल्टामोग्राम जेनरेट होता है जिसमें पोटेंशियल के अगेंस्ट करंट का प्लॉट होता है इस प्लॉट से फेरोफेरिक के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पीक्स और उनके पोटेंशियल वैल्यूज़ पता लगाते हैं पीक हाइट्स और शेप्स इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर और किनेटिक्स को समझने में मदद करते हैं यह एक्सपेरिमेंट फेरोफेरिच आयोन्स के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए किया जाता है और इससे